गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, इस वीडियो में जो क्लास 11th का इंग्लिश बुक है हॉर्नबिल, उसका जितने भी चैप्टर्स हैं और उनके जितने भी राइटर्स हैं, उनका नेम हम एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक से लर्न करने वाले हैं। तो मेरे टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमारे क्या आता है, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ओके, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, इसके राइटर कौन है, हमारे खुशवंत सिंह जी। अब इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, जैसे लेडी, इसमें आपको पता होगा, चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें किसकी बात की गई है, ग्रैंड मदर की बात की गई है। और जब भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की बात आती है, चाहे दादा हो, दादी हो, नाना नानी, किसी की भी बात आती है, तो हमारे चेहरे पे अलग सी खुशी आ जाती है। तो इससे आप लर्न कर सकते हैं पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी खुशी, खुशवंत सिंह, कुछ रिलेटेड है। तो इससे आप लर्न कर सकते हैं जो पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी है उनके राइटर कौन है, खुशवंत सिंह, खुश। और देखिए, जो हमारा फोटोग्राफ चैप्टर है उसको भी हम देख लेते हैं। फोटोग्राफ चैप्टर के जो राइटर है हमारी, वो है सरली टॉलसन। अब इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, देखिए, जब भी फोटो वोटो खिंचाने की टाइम आता है, फोटो खींचने की बारी आती है, तो हम लोग क्या अपना सर जो है नीचे कर लेते हैं, सर ले कर लेते हैं, ले डाउन मतलब नीचे करना। इसको कैसे लर्न कर सकते हैं आप, सिर ले, सिर मतलब सर हमारा, और ले मतलब नीचे करना। सिर हम नीचे कर लेते हैं जब फोटो खिंचाने की बात आती है शर्म के मारे, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं सिर ले टॉलसन, सिर ले मतलब सिर सर, और ले मतलब नीचे, सर नीचे करना। हमारा आता है फिर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन टुगेदर, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके राइटर जो है हमारे, ये इजी है, ये आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले पैराग्राफ में जेम्स कुक की बात की गई है, जो कि एक वो रहते हैं, नाविक रहते हैं, और उनको भी एडवेंचर का शौक रहता है, और वो कुछ साल पहले जो है वो पूरा यात्रा करके आए रहते हैं। तो उनसे आप लर्न कर सकते हैं, जेम्स कुक, जॉर्डन कुक, आप लर्न कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए डिस्कवरिंग टट का, डिस्कवरिंग टट का अगर चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वो एक थोड़ा हिस्टोरिक है, और हिस्ट्री की जब भी बात आती है तो जो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो भागते हैं पढ़ने से, मतलब बोरिंग लगता है। तो उनके उनके राइटर कैसे लर्न कर सकते हैं आप, ए आर विलियम के राइटर हैं। तो मतलब हिस्टोरिक चैप्टर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, ए यार विल नहीं है पढ़ने का, ऐसा कहते हैं ना, ए यार विल नहीं है। तो आप लर्न कर सकते हैं जो भी हमारे थर्ड चैप्टर है डिस्कवरिंग टट, ए आर विल नहीं है। फिर आता है हमारा द लेबर्नन टॉप। द लेबर्नन टॉप में अगर आप जानते होंगे तो उसमें ट्री की बात की गई है, एक बड़े बहुत बड़े पेड़ की बात की गई है। लेबर्नन एक ट्री ही है, लेबर्नन। ओके, तो उनके राइटर कौन है, टेड ह्यूजेस। अब इस बहुत इजी है, ये आप आराम से इसको लर्न कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ट्री मतलब पेड़ होता है, पेड़ होता है ना, उसका हिंदी, ट्री का हिंदी पेड़, पेड़ होता है। और आप देखिए टेड दिया है, टेड पढ़ो या पेड़ पढ़ो, बात तो एक ही है। टेड की जगह पे क्या कर सकते हैं, टेड की जगह पे पेड़ पढ़ लीजिए, टेड पेड़। और ह्यूजेस, अब भाई पेड़ है तो पेड़ तो ह्यूज होता ही है, पेड़ ह्यूज मतलब बड़ा पेड़, टेड ह्यूजेस। अब अ लैंडस्केप ऑफ द सोल की बात जब आएगी तो इसको, इसके कौन से है, नेथली ट्रॉवेरी रॉय। अब कैसे लर्न करेंगे इसको, सबसे पहले लैंडस्केप, अब आप खुद ही सोचिए, जो लैंडस्केप कभी आत्मा होती है, लैंडस्केप का कभी सोल हो सकता है, नहीं ना, मतलब ये एकदम नकली है, स्टोरी नकली है। अब इस पर मत चल जाइएगा, असली स्टोरी है, नकली इस पर मत जाइए, मत आपको बस लर्न कराने की ट्राई कर रही हूँ। तो नकली है एकदम, नथली नकली आप लर्न कर सकते हैं ऐसे, सोल वाला जो स्टोरी है वो नकली है, नथली है। उनके राइटर कौन है, नथली और ट्रॉवे रॉय, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग हो, मुझे लगता है भी है रॉन्ग है, बट आप अगर ऐसे लर्न करना चाहें तो कर सकते हैं, सॉल वाली नथली नकली। अब देखिए वॉइस ऑफ द रेन की जब बात आती है तो देखिए, अब आप खुद सोचिए, अब जो रेन होती है, बारिश होती है, वो कभी बात करेगी क्या, ऐसा हो सकता है। तो एक आदमी है वो सुन रहा है, अरे बारिश तो बात कर रहा है, अब ये सुन के एकदम उसको झटका लगा है, वॉल्ट लगा है, और एकदम सफेद पड़ गया है वो आदमी, वॉल्ट वाइट मैन। रेन की आवाज सुन के वॉल्ट लगा और वाइट हो गया, वाइट मैन। हम यहाँ पे आते हैं एलिंग प्लैनेट में। एलिंग प्लैनेट मतलब बीमार जो है ग्रह।
ठीक है, तो अगर आप जानेंगे देखेंगे तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो मेनली हमेशा बीमार ही रहते हैं अक्सर, मतलब अगर बूढ़े हो गए हैं जाते तो बीमारी तो कॉमन बात है। तो एलिंग मीन्स बीमार। और देखिए इसके राइटर भी कौन है, नानी, नानी पलक बीला, पलक वाली। देखिए अब नानी है, नानी भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में आती है, वो भी हमेशा बीमार ही रहती होंगी, तो एलिंग से नानी याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा ब्राउनिंग वर्जन आता है, तो ब्राउनिंग वर्जन देखते हैं म्यूजिक का वर्जन आता है कि ये 1.2 वर्जन म्यूजिक में आता है ये सब, तो इसको आप कैसे लंप कर सकते हैं, म्यूजिक रिंगटोन वर्जन का रिंगटोन हो जाएगा, ठीक है। तो इनके राइटर आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए राती गान कुछ रिंगटोन जैसा नहीं लग रहा है, राती गान रिंगटोन वर्जन है, वर्जन की बात की गई है तो राती गान वर्जन रिंगटोन राती गान ऐसे नहीं लर्न कर सकते हैं, इजी है। अब चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड जानते हैं बच्चों के बारे में, अब बच्चे कैसे होते हैं, एक तो हमेशा मार खाते रहते हैं वो और शरारती रहते हैं, यानी मार्कस मीन्स मार खाते रहते हैं, अनटेन नटोरियस भी रहते हैं, तो आप चाइल्डहुड के लिए राइटर लर्न कर सकते हैं मार्कस नटेन। एडवेंचर की बात की जाए तो जो भी लोग एडवेंचर करते हैं तो उनकी तो जयकारा होनी चाहिए ना, एडवेंचर करने वालों की जयकारा होनी चाहिए भाई, इतने रिस्क लेके एडवेंचर कर रहे हैं तो उनकी जयकारा तो बनती है, तो इससे आप लर्न कर सकते हैं एडवेंचर जयकार, जयकार से कैसे, जैसे जयंत और कार से नारलिकार, जयंत नारलीकार। अब सिल्क रोड की बात कर लीजिए, तो सिल्क जैसे हम लोग सिल्क अच्छा लगता है देखने में, मतलब अच्छा होता भी है, सिल्क के कपड़े भी अच्छे होते हैं और महंगा भी होता है काफ़ी, तो सिल्क का कपड़ा क्या लगता है, अच्छा लगता है हमें। और अगर वही अच्छा को अगर थोड़ा कॉमन लैंग्वेज या जो दादी ग्रैंड पेरेंट्स मेनली यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज आपका होता है नीक, नीक लग रहा है, नहीं कहते हैं नीक लग रहा है जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं, तो सिल्क क्या होता है, सिल्क निक लग रहा है, सिल्क निक ऐसे लर्न कर सकते हैं आप। अब फिर फादर टू सन हो गया आपका, फादर टू सन को भी लर्न करने का एक तरीका है, जो फादर से जो मेनली फादर जो होते हैं अपने डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और डॉटर भी एज वेल फादर से, तो डॉटर फादर की बात आ रही है तो एलिजाबेथ, एलिजाबेथ क्या एक लड़की का ही नाम है, एलिजाबेथ और फादर ये आप लर्न कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में स्नैपशॉट के राइटर्स के साथ, चलिए गुड बाय, टेक केयर।